हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो अपना ब्लॉग है मैं सुबह 8 बजे से शुरू कर रही हूँ। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और उनके डैडी उन्हें छोड़ने के लिए गए हैं। उसके बाद वो थोड़ी देर पंडाल में बैठते हैं और उसके बाद ही वो अपना नाश्ता वास्ता कुछ करते हैं, क्योंकि आरती वारती सब कुछ हो चुकी है पंडाल में और उसके बाद ही बच्चे जाते हैं स्कूल। तो मैं यहाँ पर अपना जो काम है वो शुरू कर लिया है मैंने, क्योंकि बच्चे जाने के बाद मेरा क्लीनिंग का काम शुरू हो जाता है। वैसे तो मैं एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ, जैसे नाश्ता वास्ता तैयार करती हूँ उनका, उससे पहले मैं एक बार झाड़ू लगाकर उसके बाद ही नाश्ता तैयार करती हूँ। लेकिन यहाँ पर जब बच्चे चले जाते हैं उसके बाद मैं सारी डस्टिंग वगैरह करती हूँ, सारा सामान वगैरह सेट करती हूँ, उसके बाद फिर से झाड़ू लगाती हूँ। तो ये वही झाड़ू मैं लगा रही हूँ, डस्टिंग मैंने कर ली है और चादर वादर सब कुछ सेट कर दी है, सारा सामान सेट कर दिया है। उसके बाद अब झाड़ू लगाऊंगी और फिर पोछा लगा लूँगी। मैंने किचन को भी क्लीन कर लिया है, किचन मेरी क्लीन हो चुकी है और थोड़े से बर्तन रह गए हैं जो नाश्ता तैयार किया था, वो मैं साफ़ कर लूँगी बाद में। तो यहाँ पर फटाफट से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं पोछा लगा लूँगी। तो झाड़ू मैंने लगा ली है और मैं झाड़ू लगाने के बाद ना एक बार इस तरीके से दरवाजे वगैरह फिर से पोंछ लेती हूँ। वैसे तो मैंने जो है डस्टिंग पहले ही कर ली थी, लेकिन झाड़ू लगाने के बाद मैं एक बार फिर से करती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाते हैं तो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जो उड़ती है ना वो दरवाज़ों पर आ जाती है या जहाँ भी आती है मैं वहाँ से साफ़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं ये सारी चीज़ें एक बार फिर से पोंछ लूँगी। तो देखिए, अच्छे से मैंने इस तरीके से सफाई कर ली है और अब मैं यहाँ पर पोछा लगा लेती हूँ। बहुत फटाफट से सारा काम ख़त्म हो जाता है। अगर बच्चे घर में रहते हैं ना तो काम बिल्कुल भी नहीं हो पाता, और बच्चे चले जाते हैं तो सारा काम जल्दी से ख़त्म हो जाता है। तो अभी सिर्फ 8:30 बजे हैं और मेरा जो काम है वो ख़त्म होने पर आ गया है, यानी कि पोछा लगाऊंगी। उसके बाद बस थोड़ा सा मुझे अपना ही करना होता है, मैं थोड़ी देर बैठकर गर्म पानी पीऊँगी, उसके बाद मैं एक कप चाय ज़रूर पीती हूँ और उसी के बाद मैं जो बर्तन है वो साफ कर लूँगी।
तो यहाँ पर पोछा मेरा लग चुका है और जो क्लीनिंग का काम है मेरा ख़त्म हो गया है। अब बस थोड़े से बर्तन हैं वो मुझे साफ़ करने हैं, लेकिन उससे पहले मैं पीऊँगी थोड़ा सा पानी। तो मैं जा रही हूँ किचन में, मैं थोड़ा पानी गर्म कर लेकर आती हूँ और मैं वो पीऊँगी। तो यहाँ पर मैं अपना गर्म पानी लेकर आ गई हूँ और थोड़ी देर में बैठूँगी, क्योंकि एकदम से ना काम पोछा वगैरह लगाने के बाद तो और कुछ करने का मन नहीं करता। तो मैं थोड़ी देर बैठूँगी, उसके बाद मैं बर्तन साफ़ करूँगी। यहाँ पर इस टाइम पर ही मैं अपना फ़ोन चेक कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों की भागम भाग में ना मैं फ़ोन नहीं चेक कर पाती सुबह में। तो बस बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद मैं फटाफट जो है क्लीनिंग के काम में लग जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं बैठ गई तो फिर जो है देर ही होती रहती है काम के लिए। इसलिए मैं बच्चे जाते हैं तभी मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ और उसके बाद ही मैं पानी पीने के लिए बैठती हूँ, तब मैं फ़ोन चेक कर लेती हूँ। तो पानी पीने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर मैं बनाकर तैयार कर रही हूँ चाय, क्योंकि पंडाल में ना 5-6 लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए मुझे चाय बनाकर भेजनी है। अभी के डैडी का फ़ोन आया है कि चाय बनाकर भेज दो, तो मैं चलो इनको चाय बनाकर भेज देती हूँ और मैं भी एक कप चाय पी लूँगी। तो यहाँ पर सभी लोगों को चाय बनाकर मैं देकर आती हूँ, उसके बाद मैं भी एक कप चाय ज़रूर पीऊँगी, क्योंकि मेरे भी ना जब तक काम मुझसे नहीं होता तब तक मैं एक कप चाय नहीं पी लेती। सुबह में बच्चों की भागम भाग में मैं चाय पी नहीं पाती हूँ, बच्चे चले जाते हैं तो उसके बाद भी मैं सोचती हूँ चलो क्लीनिंग का काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं बैठ गई तो फिर ये काम रह जाएगा और देर होती रहेगी। तो यहाँ पर मैं उनसे कह रही हूँ कि ले जाओ चाय, लेकिन वही है कि मुझे बुलाया तो मैं नीचे चाय देकर आई हूँ और अब मैं पी लूँगी चाय। तो यहाँ पर जिस वक्त मैं चाय वगैरह पीती हूँ, मतलब कोई भी फ्री टाइम होता है तो मैं बैठकर थोड़ा बहुत ना काम ज़रूर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बैठी हुई थी, इतने में ही मिट्ठू आ गया मेरे पास और देखिए आज मैंने आपको मिट्ठू को भी दिखा दिया। ये ना कुछ लेने के लिए मुझसे आया है। वैसे तो मैंने सुबह बच्चों को जब लंच कराया था तो इसको भी डाल दिया था, लेकिन ये सोच रहा है कि पता नहीं क्या खा रही है ये, तो बस आ गया मेरे पास। तो देखिए इसी तरीके से पूरे घर में ना घूमता रहता है और आपने सिर्फ इसकी आवाज़ सुनी थी, आज मैंने आपको इसे दिखा भी दिया। और इसका जो पिंजरा है ना वो यहाँ तख्त के नीचे हमने रखा हुआ है, क्योंकि इसको हम अंदर ही रखते हैं, क्योंकि बाहर रहती है बहुत गर्मी, इसलिए हम इसको अंदर रखते हैं। और यहाँ पर चाय मैंने पी ली है, मैं आ चुकी हूँ किचन में। किचन में मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी, यही एक काम रह गया है, उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। तो मैं उस वक्त जो रूपायन चेक कर रही थी, मुझे उसमें से कुछ कटिंग चाहिए थी। मेरे पास बहुत सारी रूपायन इकट्ठी हो रखी है, बहुत जब पेपर आता है तो एक रूपायन आती है उसके साथ, शायद फ्राइडे को आती है, तो अब तो बंद हो गई है, अब नहीं आती, पहले आती थी। तो वो पहले की ही पुरानी किताबें थी, तो इसलिए मैं उसे चेक कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, मुझे मार्केट से ही मंगाना पड़ेगा। तो बस मैं फटाफट से जो है बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और तो फ्रेंड मैं यहाँ पर ना नहाकर आ चुकी हूँ, सारा काम मैंने फिनिश कर लिया है और मैं नहा ली हूँ। अब मैं पूजा करूँगी और पूजा करने के बाद जो है थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लूँगी। तो पूजा करने से पहले ना मैं अपनी मांग में थोड़ा सा सिंदूर डाल लेती हूँ, क्योंकि बाकी का जो करना होता है वो मैं बाद में करती हूँ, लेकिन सिंदूर पहले ही डालती हूँ पूजा से। तो बस सिंदूर डालने के बाद मैं पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पर पूजा मैंने कर ली है और मैं जा रही हूँ तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने के लिए, और उसके बाद में मैं थोड़ा सा नाश्ता करूँगी। तो चाय बनाकर मैंने तैयार कर ली है और यहाँ पर मैं अपने ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं लेती, हल्का फुल्का सा ही करती हूँ, या तो जवे वगैरह बना लेती हूँ, लेकिन आज मैंने जो है सैंडविच वगैरह बना लिया। तो ये मेयोनीज सैंडविच बनाया है मैंने, फटाफट से बन जाता है, इसको बनाने में टाइम नहीं लगता। तो बस ये बनाकर मैं थोड़ा सा खा लूँगी, उसके बाद मुझे खाना बनाना है। तो खाना जो है वो जल खा लेती हूँ मैं आराम से, अगर मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हैवी कर लेती हूँ तो फिर मैं दोपहर में खाना नहीं खा पाती, इसलिए मैं जो है इस टाइम पर हल्का फुल्का ही ब्रेकफास्ट करती हूँ। और यहाँ पर ना अभी के डैडी मुझसे बातें कर रहे हैं, तो बस उन्हीं से मैं बात कर रही थी।
देखिए यहाँ पर ना मिट्टू मेरे पास आ गया है, तो मैं उसको दे रही थी थोड़ा सा नाश्ता। तो देखिए ये लेने के लिए आ रहा है, और जब भी कोई कुछ खाने बैठता है ना तो ये ज़रूर आ जाता है उससे लेने के लिए। तो देखिए ये लेके गया, तो बस ऐसे ही ना अपने आप से लेने के लिए आता है और लेकर सीधा अपने पिंजरे पर ही जाता है, कहीं और नहीं खाता बिल्कुल भी। तो बस आज का जो व्लॉग है उसका मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और आपसे मिलती हूँ एक और नए व्लॉग में। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।